अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सका था तो इसलिए आज 8वां रोज़ा है, तो इसलिए आप सबको 8वें रोज़े में खैर रमज़ान मुबारक। और जो है ना, आज मैं एक नए घर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मैं पहले रोज़ों के ही बनाना चाह रहा था लेकिन मोबाइल में कुछ मसला था तो इसलिए नहीं बना सका। तो चलते हैं आज, और मैं आप लोग को बता लेता हूँ। मैंने इतना घर ले लिया है, इसकी कीमत तकरीबन 23 मिलियन है। इतना ख़ास नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता है आपके भाई को महंगे महंगे घर लेने का बहुत शौक है। तो चलते हैं इस घर के इंट्रोडक्शन आपको करा देते। तो चलते हैं घर के अंदर और आपसे आपको दिखा लेते हैं घर के अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते आते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया मैंने। यहाँ पर अभी थोड़े ब्लॉक्स बाकी है, यहाँ पर ब्लॉक्स नहीं लगाए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्विमिंग पूल मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर जो है ना, हमारे बेड पड़े हैं, बहुत ठीक तकरीबन 3 बेड लगाए गए हैं। यहाँ पर हम लोग ऑक्टोपस को भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसे कैद कर लिया है पानी के अंदर। और यहाँ पर ये हमारे घर के पीछे की तरफ गली है। तो चलते हैं घर के अंदर और आप लोग को सबर करो, पहले मैं आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हैं मेरा लॉन, जैसे मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये लॉन है और ये हमारी गली है दूसरी तरफ। तो चलते हैं घर के अंदर और आप लोग को घर के अंदर का नज़ारा दिखा लेते हैं। तो हम लोग जाएंगे गेट की तरफ सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग सबर पहले कुछ ब्लॉक्स लगा लेते हैं ताकि ये जगह बंद कर ले। यहाँ पर हमारे ब्लॉक्स किधर गए, यहाँ पर होने चाहिए यार इस ब्लॉक्स को। तो यहाँ पर हम लोग ब्लॉक्स लगा लेते हैं, ये वाले ब्लॉक्स है। तो यहाँ पर पहले ये ब्लॉक्स लगा लेते हैं ताकि पानी इस तरफ ना आए। और यहाँ पर मैं एक सीढ़ी भी लगा लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ से पैर ऊपर चढ़ते हुए थोड़ा मसला होगा। यहाँ पर हम सीढ़ियाँ लगा लेते हैं। कहाँ गई कहाँ गई, ये रही। तो ये रही, ये लगा लेते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ। यहाँ से चढ़ने में हमें आसानी होगी। तो चलते हैं अब घर के अंदर और आप लोग को घर अंदर से दिखा लेते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैंने गेट शो वो लगाया हुआ है, वो क्या कहते हैं फ्लैट। तो यहाँ पर ही नीचे तो हमारा ये ड्राइंग रूम है और इस तरफ हमारा किचन के सारे टूल सामान वगैरह पड़े हुए हैं। इस तरफ हमारा किचन है, ओपन किचन। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ना, चूल्हा वगैरह लगा हुआ है और बेसन वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। तो ये हमारा चूल्हा हो गया, ये हमारा किचन है इस तरफ, और ये हमारा ड्राइंग टेबल है। तो इस तरफ ये हमारा एक कमरा है जो अभी बनना बाकी है, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं लगाया गया। मेरे ख्याल से यहाँ पर वो लाइब्रेरी बनेगी। तो चलते हैं ऊपर और ऊपर से आप लोग को घर दिखा लेते हैं। तो ऊपर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर भी अभी बहुत काम बाकी है। स्क्रीन वगैरह लगेगी, चेयर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी, टेबल। और चलते हैं इस तरफ, यार यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है यार। इन लोगों ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया है, घर बना नहीं है और सामान, और घर तो बन चुका है लेकिन सामान इसमें गायब है। दोस्तों इन लोगों ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया है। घर के अंदर मैंने सामान के जो पैसे ले लिए थे वो भाग चुके हैं, वैसे ही इतने पैसे ले लिए हमसे। दोस्तों हमारे साथ प्रैंक हो गया है।